आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, हेल्थी होंगे, वेल्थी होंगे। आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ मलेरकोटला के बाबा हदस शेख की दरगाह के अंदर, क्योंकि आज 13वां रमजान है और वहाँ उनका उर्स होता है और वहाँ घोड़े चढ़ते हैं और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु मेला देखने के लिए आते हैं। तो बनिए रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जो मेरे दोस्त इस चैनल में नए नए आए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को करें सब्सक्राइब। और मेरे दोस्तों, जो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं हदस शेख मलेरकोटला में और यहाँ आज का जो दिन है बहुत स्पेशल बहुत दिन है। और आज के दिन यहाँ पीरों की जगह पर बहुत ही ज़्यादा शानदार जो आप देख रहे हैं घोड़े चढ़ते हैं और हमारे साथ ये साथी हैं और ये बताएंगे आपको कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं, तो बताइए प्लीज हमें। ये सारे घोड़ा जो गाय हैं वो सभी और जैसे आपको अभी बताया गया है साथी के जाना से अशोक मित्तल के द्वारा जो उनका मतलब दान है वो करते हैं और घोड़े हर साल यहाँ पर आते हैं, बहुत ही श्रद्धा के साथ आते हैं। तो अभी हम चलते हैं, एक हमारे साथ और भाई जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं वे वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, बताएंगे प्लीज साहब। तो थैंक यू सर आपका ये हमारे ये जानकारी देते हुए। तो आप देख सकते हैं भी घोड़े बहुत ही अच्छे, बहुत ही इनका कद ऊंचा, और देखेंगे और ये बाबे के दरगाह के ऊपर लेकर जाएंगे इनको। और हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है मेले के ऊपर। तो हम जो अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, मगर ये जो आज का दिन है वो स्पेशल ही है। तो ये रमज़ान के महीने में जो 13वां रमज़ान होता है उसमें आता है। तो अगर आप वैसे भी आना चाहते हो वीरवार को, हर वीरवार को या संडे को आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो आप अगर विजिट करना चाहते हैं तो ये मलेरकोटला शहर में बाबा हदस शेख के नाम से मशहूर दरगाह है और ये लुधियाना और नाभा रोड के ऊपर। ये यार बहुत ही शानदार ये दुकानें सजी हुई बाबा की दरगाह के ऊपर, और बच्चों का साजो सामान और लेडीज़ का बहुत ही यहाँ से हर तरह के बहुत ही दूर से यहाँ से श्रद्धालु आते हैं। और अगर आप भी आना चाहो तो ज़रूर आओ, यहाँ पर देखो यहाँ का मेला नज़ारा देखो, दुकानें बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से सजी और शांतमयी तरीके से ये मेला अच्छे तरीके से चलता हुआ। कोई भी यहाँ ऐसा कोई आपको डरने की बात नहीं है, कोई चोरी यहाँ कोई ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, आप खुलकर आ सकते हैं। और मेले में बहुत ही श्रद्धा के साथ बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, तो बताइए प्लीज हमें, हमारे चैनल हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप कहाँ से आए हैं। और जी यहाँ माना फाटक मलेरकोटला लोकल ही रहने वाले हैं, तो और भी हम मिलेंगे और बहुत दूर दूर से पंजाब से और पंजाब से बाहर गंगानगर जैसे राजस्थान वहाँ से हरियाणा से बहुत लोग आते हैं। तो हम चलते हैं और करते हैं और लोगों को साथ मुलाकात करते हैं बातें, और वहाँ जो श्रद्धा लेकर आते हैं उनसे मुलाकात करेंगे वो क्या क्या यहाँ मन्नतें लेकर आते हैं। तो चल बनी रहे मेरे साथ, देखते रहिए सारी पे के ब्लॉग। और ये पीछे लड्डू काफ़ी चढ़ावा चढ़ता है जी। और हमारे जो अगर जब भी आओ इस दुकान के ऊपर आप खरीदारी करके जरूर जाओ। और हमारे पीछे आपको दिखाते हैं कि हमारे ढोल भाई भाई साहब और ये बहुत ही शानदार तरीके से ढोल बजाते हैं और ये उनके पास ढोल बजा कर ठीक है। और ये कह रहे हैं कि नमाज का टाइम है, अभी रुककर फिर आपको दिखाएंगे आपको, ये बहुत ही शानदार तरीके से बाबे के बजाते हैं। तो हम चलते हैं देखते हैं अगर और भी यहाँ
अपने जो भी श्रद्धालु आते हैं वहाँ मिलते हैं हम और उनसे बात करते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं वो, और चलते हैं दरगाह के अंदर और देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये मज़ार को सजाया हुआ। और ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये उर्स है ना, ये रमज़ान के महीने में जो 13 रमज़ान होता है उसमें आता है, बहुत श्रद्धा से ये पानी वगैरह का बहुत ही प्रबंध करते हैं। ये हमारी कमेटी के मेंबर हैं और यहाँ अलग अलग तरह के लंगर लगाते हुए बहुत ही शानदार तरीके से चलते हैं, आगे आगे भी देखते हैं। आज का ब्लॉग हमको कैसा लगा तो जरूर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे दोस्त जो वीडियो देखकर चले जाते हैं प्लीज़ उनको गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल में जो दोस्त जुड़ते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।